बस दिलजीत जी ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे तो रौनक भाई अक्सर लोग गुस्से में कहते हैं कि मैं मार मार के तुम्हारा भूत बना दूंगा। अब इसी पर बहुआ बन के हमने क्या मस्ती करी ये जरा सुनिए। हेलो, मैं नहीं जाऊंगा, अभी जा। नहीं पापा अंकल, मोमबत्ती ला, आज तुझे मैं बताता हूँ। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? बहुआ बोल रही हूँ। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते, काम बोलो क्या होगा? एक सेकंड, जल्दी जाओ कैंडल लाओ। नहीं, क्या बात कर रहा है? इसे पहले कर ले या पापा से कर ले? मैं इसे कर ले। आप इसे कर लेता हूँ, सुनिए। हाँ बता। मेरे पापा मुझसे कह रहे मार्केट जा। तुम मार्केट? कैंडल लेकर। हुआ क्या है तो बता दो। क्या पता नहीं यार, तुम ही पूछो मोमबत्ती लाने क्यों बोल रहे हैं। जाओ मोमबत्ती ला। एक मिनट। अरे अंकल जी क्या हो, तुम मोमबत्ती मंगवा रहे हो? क्यों भेज ना सके हम बाजार लड़के को? क्या होगा लड़के को? तू कलेक्टर लग रहा, तू बताएगा हमें? अरे बता नहीं हम तो कौन है तू, बात कैसे कर रहा है मुझसे? पापा आपकी किडनी निकल गई गुस्से में। दे पकड़ा जरा ऊपर। हाँ। किडनी निकाल के तेरे मुंह में मारूंगा। दोनों बाप बेटे के मुंह मोमबत्ती ला बेटे जा। पूछिए मोमबत्ती का क्या कटेंगे आप? अरे मोमबत्ती में इसकी। हाँ तो इसकी। अरे ओ तो अंकल मेरी सुन, इसकी उसकी बहुत हो गया। नहीं नहीं हाँ। पापा ये मोमबत्ती ले आया मैं। वेरी गुड वेरी गुड। हेलो, तो क्या करेगा मोमबत्ती का? एक सेकंड रुकिए पापा, मैं फेल हो गया परीक्षा में। जो परीक्षा में फेल हो गया मोमबत्ती का क्या करेगा ये तो बता। इनने इसीलिए मंगवाया था, इससे क्या होगा पापा? इधर आ जाए, इधर आ जाए। मार दे, इधर आ जाए। वो मार दे रहा है वो। हेलो, ये क्या बन गया बउआ? मार दे मुझे। अरे क्या हो गया? देख मेरा रिजल्ट आया था, मैं फेल हो गया। हाँ। और इसने मोमबत्ती मंगाया। अच्छा क्या गया मोमबत्ती से फिर? और फिर मुझे थप्पड़ मारा। गलती हो गई बेटे। मतलब मेरा बाप मुझे मार के भूत बना रहा है। गलती हो। अच्छा, तो भूत बन गया? हाँ मैं भूत बन गया और मोमबत्ती अब काम में लाऊंगा। तुम दोनों के दोनों भूत नहीं गए। गंदा भैया पापा। बेटा मोमबत्ती तू उसको दे दे। अंकल तेरी ऐसी मोमबत्ती ले। गलती हो भैया। क्या यार क्या है बेटे, कहीं जाते मर क्यों नहीं जाते? मोमबत्ती की आ जाओ। अरिहंत ने फोन करके बहुआ का टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई अंताक्षरी हमारे पुरखों के पुरखों के पुरखों से ये गेम चला आया है घर में, क्या इस पे बहुआ कुछ मस्ती कर सकता है? ये सुनिए। हेलो। हेलो, हां जी कौन? वो एक्सीडेंट लेडीज, लॉन्ग टाइम। कौन बोल रहे हैं? बहुआ बोल रहा हूँ दीदी। कौन दीदी? मैं आपसे दो मिनट चाहिए अगर समय है तो। मैं कह रहा था खेल शुरू करें। खेल शुरू? एक मिनट दीदी, राजी तो हो जाए। हेलो, जल्दी करो ना, बात करनी है आप। हम ये अंकल अंताक्षरी खिलाएंगे, प्राइज देंगे, मुझे एक पार्टनर चाहिए था इसलिए मैंने आपने फोन लगा लिया। दो प्लीज एक सेकंड बस। हेलो, अंताक्षरी खेल रहे हैं मेरे साथ हैं सर। आप जुम्मन सुरूर? जुम्मन सुरूर जी अंताक्षरी खिलाड़ी, दो मिनट दे देंगे दीदी, बोल रहे हूँ ना मैं। प्लीज दीदी। तो दोस्तों बात उस वक्त की है जब परेशान थे राजेश खन्ना साहब कि मैं क्या करूं। हाँ। मुझे क्या करना, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी खराब हुई एक दिन। हो गया क्या तू? और एक सेकंड जुम्मन सुरूर जी। हाँ, उनकी गाड़ी खराब हुई और खराब से ब पे गाना। बस ये गाना है, बस गाइए। बदमाश तेरे नैना। वाह बहुत बढ़िया। अरे वाह पागल हो गया क्या? 10 नंबर मिलेंगे आपको। थैंक यू। जोरदार तालियां दीदी, हमको 10 नंबर मिल गए। जोरदार तालियां। 10 नंबर अपने मुंह में घुसे। गंदा बोल लिए, काट दिया फोन। हेलो, आज जुम्मन सरूर आपका एक बार फिर से स्वागत करता है अंताक्षरी में। आखिर उस वक्त सुनील दत्त साहब ने क्यों अपने अपने जूते जूते तरह से गाना है? तरह से गाना है, पागल हो गया। टिक टिक वन, माँ को बुलाना अंताक्षरी के लिए। बार बार दीदी तरह से गाना है। टिक टिक सेवन, झापड़ मार के ना मुँह लाल कर दूंगा। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का दीदी हम खुदा। जुम्मन जी गाना गाई कितना? आप मैं कहाँ से दीदी पैदा हो गई? जुम्मन जी एक आखिरी चांस दे दीजिए। क्यों? एक साधना जी के हेयर कट ने खलबली मचा दी थी। कौन है साधना? तेरी माँ है साधना? तो बच्ची पूरा सुन ले। साधना सुन पहले, पूरा सुनिए। खलबली मचा दी हेयर कट ने गली मोहल्लों में, सबने वो हेयर कट रखना शुरू कर दिया। एक सेकंड, खलबली टप है, खलबली जब मचेगी जब तेरा मुंह डंडा जाएगा। टप है गाइस, टप है। साथ तेरे मुंह में घुसा ले फोन। गंदा बोलिए, फोन काट दिया। जुम्मन जी ट से कौन सा गाना है? टू 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 टू। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। हेलो,
आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलो यार, कौन? मैं बबुआ बोल रहा हूँ। कौन हो भाई बबुआ? मैं नहीं जानता आपको। बोलो। नहीं जानता, मैं कह रहा हूँ कि अपने जीवन का कुछ एक्सपीरियंस मैं सोचा शेयर करूँ बांटू में। मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है। तुम प्लीज सुन लो, दो मिनट लगा दो। 24 साल का तजुर्बा हो गया है आज तक। मैंने एक बात ध्यान दी, जब भी रेलवे फाटक बंद होता है ट्रेन जरूर आती है। तो नहीं तजुर्बा है तो क्या यार? अजीब पागल है तू, क्या बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ इंसान को भरोसा अगले पल का नहीं होता। अरे यार मैं फोन रख रहा हूँ। एक सेकंड सुन ले। इंसान को भरोसा अगले पल का नहीं होता, लेकिन अचार पूरे साल का डाल देता है। अरे मैं अचार में तेरी में डाल दूंगा। हेलो, चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं तजुर्बा शेयर कर प्लीज। जहाँ आदमी को एक बार धोखा मिले वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहिए। हाँ कि नहीं? नहीं जाना चाहिए। तो लेकिन फिर भी ससुराल तो जाना ही पड़ता है। पागल क्या बार बार फोन करे जा रहा है तू यार? बड़ा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला, अपनी ले ले एक्सपीरियंस अपना। हेलो, समझा? हेलो, क्या गंदा बोल रहे हैं आप? आप कौन? मैं सुरभि बात कर रही थी, सॉरी मैम। इससे अभी कोई और बात कर रहा था। कोई और बात कर रहा था? आपको समझना चाहिए ना कोई और कैसे बात कर रहा है। जब मैं फोन लगा रही हूँ कोई कैसे बात? अरे कोई आदमी बात कर रहा था अभी इससे। आवाज नीचे। हाँ बोलिए, आपने फोन क्यों किया है? क्योंकि आपकी कॉलर ट्यून। हाँ जी, क्या कॉलर ट्यून? मासिक शुल्क 30 रुपए, जय जय बजरंग बली। कंटिन्यू करनी है आपने? नहीं करनी। हाँ करनी है ना? नहीं करनी होती तो मैं बोल देता, आपको फोन करने की क्या जरूरत है? इसके साथ और एक चीज ऐड होके आपको फ्री में ही मिल रही थी, मैंने सोचा आपको बता दूँ। क्या ऐड हो रही है? आपको अच्छे विचार जो होते ना वो हम सुबह सुबह आपको भेज देंगे। हाँ तो अभी चीज के लिए आप लोग पैसे काटोगे? क्या करूंगा? पैसे नहीं, फ्री है ना, मैंने बोला फ्री। SMS करोगे क्या अच्छे विचार? नहीं नहीं नहीं, हम हमारी तरफ से फोन आएगा और आपको अच्छे विचार। कौन फोन करेगा? आप फोन करोगे? नहीं नहीं, हमारी टीम में से फोन कर सकते हैं आपको। जैसे ये भाई फोन करेगा, ये भाई साहब है ना? भाई साहब मैं बोल रही हूँ बउआ भाई। गंदा बार बार फोन कर। हेलो, गंदा बोल रहे हो आप? तू भी मिली हुई है इससे? ए सुबह सुबह अनुभव शेयर कर रहा हूँ मैं अपना अनुभव। मैं बस कर रहा हूँ, हमारे पास हर समस्या का हल होता है, बस समस्या अपनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अंकिल नमस्ते। नमस्ते बउआ। मैं कौन आपसे? एक मिनट एक मिनट, सॉरी हम लोग का ओवरलैपिंग हो रहा है, एक मिनट चाहिए था आपसे। कई लोगों को लगा रहा था। अच्छा। कुछ लोग काट रहे हैं, कुछ बीच में गंदा गंदा बोल रहे हैं। आप अगर एक मिनट देंगे तो सारी दुविधा का सोल्यूशन मिल जाएगा। बस एक मिनट में? एक मिनट में, एक से दो। देखो पीछे भौंक रहा है वो, थोड़ा हट जाओ वरना जैसे लोहे को लोहे लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है, वैसे ही आपको वो का तो काम हो। ए भाई साहब सुनिए, पैसे को अगर दुगना करना है तो सबसे आसान तरीका क्या है? आप बताओ। उसको आईने के सामने रख दो, डबल दिखेगा। अच्छा ऐसी क्या चीज है जिसके पास 4 उंगली और 1 अंगूठा है लेकिन जिंदा नहीं है? हाँ आप बताओ। ग्लव्स, दस्ताने। ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर जाती है लेकिन नीचे नहीं आती? ऊपर जाती है और नीचे नहीं आती। चलो मैं भी बता देता हूँ। चलो आप ही बता। आपकी एज यानी उम्र। ओह ऐसी कौन सी चीज है जो रोशनी में आपका पीछा नहीं छोड़ती? परछाई। ओह माय गॉड, नॉट बैड, यू आर ऑलमोस्ट देयर। ऐसा कौन है जो लड़की नहीं है फिर भी पर्स का इस्तेमाल करते? लड़की, लड़का ही है लड़का? नहीं नहीं, लटकाने वाला पर्स, कंधे पे लटकाने। ये पता नहीं यार। भाई साहब बस कंडक्टर कभी गए हो विदाउट जाते? एक सेकेंड रुकिए। एक ऐसा रूम जिसमें खिड़की भी नहीं है दरवाजा भी नहीं, बताओ क्या? खिड़की भी नहीं है और दरवाजा भी नहीं है। मैं बताता हूँ। चलो आप बताओ। मशरूम। मशरूम। अच्छा एक आखिरी चीज, वो क्या है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता लेकिन तोड़ा जा सकता है? तोड़ा तो बेटा मैं तोड़ूंगा तेरा वो, समझ गया ना? एक सेकंड, मैं प्रॉमिस की वादे की बात कर रहा था, वादा पकड़ा नहीं जाते तोड़े। आप किसकी बात कर रहे थे? साले तोड़ दूंगा तेरी। गलत बोल रहे आप, बात कर रहे गलत आज भी। 93.5 FM बजाते हुए अंकिल बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, बड़ी ट्रैफिक की आवाज आ रही है भैया जी। नमस्ते। हाँ कौन जी? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल भाई। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है भाई, आ रही है। आवाज आ रही है ना? हाँ। मैं कह रहा था आप खाली हो? बता भाई क्या हुआ? नहीं खाली हो क्या? हाँ खाली हूँ, बता। यही प्रॉब्लम है यार, यही प्रॉब्लम है। क्या आप खाली हो?
समझा नहीं भाई। आप खाली हो ना? हाँ। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आदमी खाली बैठा रहता है, उलझुल की बातें सोचता है, किसी के बारे में मन में जलन पैदा होती है, जिसके बारे में जलन पैदा होती है उससे फाइट करने का मन। आवाज आ रही है? सुन रहा हूँ। हाँ, उससे फाइट करने का मन होता है। अब फाइट कर तो पाओगे नहीं, मन ही मन जलते रहोगे। ज्यादा जलन होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट अटैक आ सकता है, जान जा सकती है। और हेलो, और अगर उसी आदमी जिससे जल रहे हो उससे लड़ने का मौका मिल जाए तो हो सकता है तुम्हारी पिटाई हो जाए, और ज्यादा पिटाई हो जाए, सर पे घाव लग जाए, हो सकता है आपकी जान चली जाए। तो खाली बैठे हो, जान जाने का कचरे कोई काम क्यों नहीं करते यार? चल। हेलो हेलो, गलत मत बोलो, खाली हो, काम करो। हेलो, निगम बात कर रहे हैं जी? मैं आपका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। मैं सुरभि बात कर रही थी जी, से ये नंबर आप यूज कर रहे हैं? मैं बड़ा भाई हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ, वैसे उसके नाम पे है। अच्छा, नंबर उसके नाम पे? हाँ। तो जो की बात थी जो उससे करूँ? मुझे बता दीजिए, बता दूंगा। नहीं, यूज तो आप ही कर रहे हैं ना? हाँ। तो मैं आप ही को बोल देती हूँ। ठीक है। तो अभी खाली हैं आप? हाँ हूँ। क्या खाली है? हाँ, खाली बैठा हूँ, बताओ। तेरे को बोला था ना, खाली बैठेगा तो जान जा सकती है। तेरी फाड़ दो, तोड़ूंगा ना खुद, तो कोई काम नहीं है मेरे को परेशान। तेरे को बोला था मैं खाली मत बैठना, काम कर ले। हेलो हेलो। हाँ जी अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते। कई लोगों को लगा रहा था मैं, फोन कट जा रहा था बीच बीच में, आपको भी एक लग गया। मैं बहुआ बोल रहा भाई साहब। हेलो। हाँ जी, लोग समस्याओं का सलूशन ढूंढते हैं पर ढूंढ नहीं पाते हैं क्योंकि अंदर नहीं झांकते हैं। किसके अंदर? अपने अंदर, समस्या के अंदर। सपोज अच्छा? आपके घर में चाय फीकी बनी है, चाय अगर फीकी बनी है, थोड़ा चीनी डाल दीजिए, मीठी बन जाएगी। मेरे को बता रहा है, मेरे को शुगर है, नहाने के लिए, नहाने के लिए अगर पानी का प्रयोग किया जाए तो नहाना और अच्छा हो जाए। तो और किससे नहाएगा बावली? गलत बात बोलिए। अगर आपको रहने में प्रॉब्लम है, मकान बनाइए बढ़िया, रहने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मकान ही बनाएंगे, तंबू थोड़े ही बनाएंगे। मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाए फिर तो क्या? आप उसे घसीट के अगले पेट्रोल पंप पे ले जाइए, भरवाइए, चिंता करेंगे तो गलत है, गलत बात। एक से हेलो। क्या बार बार मारूंगा साले, मुंह सूज जाएगा, पुलिस में नंबर दे दूंगा, बड़ी कुटवाऊंगा तेरी मैं। हेलो हेलो, मैं सुरभि बात कर रही थी, आप गलत किसको बोल रहे हैं? मैडम परेशान कर दिया क्या? तो गलत बोलेंगे, एक बार नंबर देख लीजिए ना भाई साहब। आप भी सुबह सुबह फोन कर रहे हो उसी बीच में? तो क्या नहीं, आपको आपके सोल्यूशन के लिए फोन करे ना भाई साहब। 15 दिन हो गए मैडम, कौन सा सोल्यूशन दोगी? यूट्यूब तो चल नहीं रहा। ये तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना आपको? मैडम नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन जा रहा हूं 15 दिन से। वही तो बता रही थी मैं, अगर नेटवर्क का सही में प्रॉब्लम है तो हमारा जो टावर है पीतमपुरा में, आप उसके पास जाइए, फटाफट नेटवर्क आएगा। उसके नीचे जाके बैठ जाऊं? अब आप ही को नेटवर्क नहीं आ रहा ना मैडम? घर में नेटवर्क नहीं आ रहा तो घर बदल लेना भाई। मैडम कैसी बेतुकी बात कर रहे हो, आपका दिमाग ठीक है? भाई साहब मैं तो वैसी बात करूंगी जैसे भाई साहब करते मेरे। कौन से भाई साहब तेरे? अब परिवार के लोग हैं, एक दूसरे पे नहीं जाएंगे तो किस पे जाएंगे? मैं समझ नहीं रहा क्या बोलना चाह रही हूँ आप। अरे मैंने बोले थे ना, चाय में शक्कर कम है तो शक्कर मिला लो। अब तेरी तो मेरी दीदी है ये भी। हेलो हेलो, आ रहे हो आप टावर के पास नेटवर्क के लिए? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बहुआ बल्ले अंकिल बजते। नहाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाए तो बढ़िया हो जाते। सर आवाज नहीं आ रही कुछ, फोन। हेलो। हाँ फोन। हेलो जी अंकिल नमस्ते। हेलो कौन? हेलो जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी अंकिल, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है लेकिन आप हेलो कह रहा था। Hello? मैं कई लोगों से बात हो रही थी मेरी, कुछ लोग होते हैं जो बिजी होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उठा लेते हैं, बात करते हैं, कुछ फोन बीच में काट देते हैं। आपसे अगर 1.5 मिनट मिलेगा ना तो मैं सारी बातें आपको समझा सकूंगा और एंड में बता सकूंगा कि मैं कौन बोल रहा हूँ। आप बोल रहा हूँ वही मैं कह रहा हूँ एंड में। आप बोल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन आखिरी में बता दूं। अच्छा, दो तीन सवाल थे, दो तीन ही चीजें मेरे को डाउट में आ रही थी जी। ठीक है, चपलू और मंगलू दो लोग दोस्त थे। चपलू के घर, सुनो मेरी बात, चपलू के घर की मुर्गी मंगलू के घर जाके अंडे दे आई, बताओ अंडे किसके हुए? मंगलू के। जिसके घर में दिए हैं तो उसके घर में तो होंगे, और जिसने दिए उसके तो होंगे नहीं ना। अरे मुर्गी के हुए ना भैया जी। अरे सुनो
एक मिनट, एक हाथी तालाब के पानी में गया, बाहर कैसे आएगा ये बताओ? बाहर कैसे, जैसा गया वैसे आएगा? अरे गीला आएगा, पैदल हो क्या? देख मैं एक आदमी अपने बर्थडे पर एक रुपया गुल्लक में डालता था, हर बर्थडे में एक रुपया डालता था गुल्लक में। 60 साल के बाद गुल्लक तोड़ी, 15 रुपए निकले। कैसे? किसी ने निकाल लिया? अरे 29 फरवरी को पैदा हुआ था, कोई निकाल लिया होगा। अबे क्या के नहीं, एक सेकंड, बारिश में मेंढक बाहर क्यों आ जाता है, सोचा है कभी? बारिश एंजॉय करने आता होगा, मुझे क्या पता। अबे मैं मेंढक बता, मैं बता रहा हूँ, किसी के घर में पानी भर जाता है तो बाहर नहीं चला जाता, मेंढक नहीं आएगा बाहर। बात कर रहे हो आप? अबे मेरी बात सुन, एक आखिरी सुन। एक आदमी को हाई शुगर था, डॉक्टर ने उससे कहा कि मीठा खाना बंद कर दो। उसने मीठा खाना बंद कर दिया, क्यों? भाई साहब मैं बताऊं? हाँ, क्योंकि उसको शुगर था और डॉक्टर ने बोला था। अरे तेरी कुछ चीजें सिंपल चीज थी, उसमें भी सोच रहे क्यों किया क्यों किया। भाई साहब आपके आपके फोन में कट होने का बटन नहीं है क्या? तेरा गला काट भाई, फोन काट दिया। चीजी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, ज्यादा दिमाग मत लगाते रहो, कुछ चीजें सिंपल भी होती है। हेलो हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी, 2 मिनट चाहिए था आपसे। असले या बोल रहे? सॉरी, मैं ये कह रहा था आप काम वाम करते हो कुछ? नहीं, मैं तेरी तरफ। भाई भाई साहब प्लीज यार, नहीं मतलब कॉर्पोरेट में हो ना, कॉर्पोरेट बोलते हैं ना। हाँ कॉर्पोरेट। तो कॉर्पोरेट में एम्प्लॉई में और बिल्ली में बड़ी चीजें कॉमन होती भाई साहब। बिल्ली होती ना कैट, कई सारी चीजें। फॉर एग्जांपल बिल्ली बोलती मैं आऊँ, और अपने बॉस से उसके केबिन में एंट्री करने से पहले भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय पूछता है मैं आऊँ। है कि नहीं भाई साहब? आगे देखिएगा, बिल्ली पीती है दूध, लेकिन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का बॉस क्या पीता है? खून। बिल्ली खाती है चूहा, बिल्ली के पेट में चूहा होता है, लेकिन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का बॉस अपने एम्प्लॉय को भूखा मीटिंग में बैठाए रहता है, तो उसके पेट में भी क्या रहता है? चूहा ही रहता है। भाई साहब नहीं, गलत मत बोली। बिल्ली पंजा मारती है, लेकिन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का जो बॉस होता है वो उसके पीठ में छुड़ा मारता है। बोलता है अप्रेजल देगा अप्रेजल देगा, हर सीजन में छुड़ा मारता है। सुनिए, खिसियानी बिल्ली क्या नोचती है? खंबा नोचती है, लेकिन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जब खिसिया जाता है, उसका बॉस उसको एम्बेरेस कर देता है, तब वो शाम को क्या खोजता है? खंबा। बिल्ली सोचती है और ये यार तू बिल्ली नोचती है और ये खोजता है खंबा, है ना? एक होता है भीगी बिल्ली, और यहाँ पे शर्म के मारे एम्प्लॉय भी बॉस के सामने भीगी बिल्ली बनता है, ठीक है? लेकिन बिल्ली जब दूध पीती है भाई साहब, तो कैसे पीती है? ऑब्वियसली चाट के, और कैसे पिएगी? और अगर एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बनना है तो कैसे बनना है? भाई साहब समझ गए, ढूंढ रहे हैं। एक आखिरी मेरी तरफ से सुन लो, ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो बिल्ली क्या है, बिल्ली क्या काटती है? रास्ता। और ऐसा कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जिसका इतना करने के बाद भी प्रमोशन नहीं हुआ है, वो दूसरी कंपनी का ऑफर लेटर लेके क्या काटता है? थैंक यू। आपकी हंसी ने जो माहौल बनाया ना भाई साहब, आप ऐसे ही बड़े कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बनते रहे। बाकी तो 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलो बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, दिस इज डेडिकेटेड टू ऑल द कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हु आर लिसनिंग टू मी एट दिस मोमेंट। हेलो हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, मैं बहुआ और मेरे साथ नंद किशोर। बैरागी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नव युवक। एक चर्चा होती भाई साहब। कौन बोल रहे हो? हम दोनों बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हो, समाज सुन रहा है। एक चर्चा जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट, किससे बात करनी है भाई साहब? आप ऐसे करनी है जिन्हें हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में कॉल कर चुके हैं। समाज को आईना दिखाने का काम निभाइए, अपना करिए। मुद्दा बड़ा सिंपल है, डेढ़ मिनट से आधे नहीं लेगा अगर आप तैयार हैं तो। चलो ठीक है, बताओ। बताइए, पकौड़े पे बड़ी राजनीति हो रही है, बहुत ज्यादा। क्यों जरूरी है पकौड़ा?
मतलब मैंने पकौड़ा कहा है, क्यों जरूरी है पकौड़ा? पास है पकौड़ा, ये क्या है ये? क्यों जरूरी है बैरागी जी? मेरी जरूरत है इसमें है। आपकी जरूरत है, हर एक नागरिक की जरूरत है। बिल्कुल है, बताइए बैरागी जी क्यों जरूरी है? देखिए पकौड़ा जो है, है? एक मिनट भाई, अभी थोड़ी देर मुंह में बेसन रख ले, थोड़ी देर चुप हो जाए। खुद भी हंस रहा है, खिलखिला उठा। तो सबसे जरूरी पकौड़े का जो चर्चा चल रही है, इसमें देश में इस वक्त सबसे बड़ी चीज जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है वो क्या है? क्या है? खेल, स्पोर्ट्स को। स्पोर्ट्स को खेलना बहुत जरूरी है, पसीना आना बहुत जरूरी है। एक मिनट, स्पोर्ट्स का पकौड़े से क्या लेन देन? खेल के लिए है, खेल जब आदमी जीतता है तो उसे क्या देते हैं? भाई साहब जागरे की नहीं? हाँ, सही में बेसन रख लिया। खेलता है आदमी, जीतता है टूर्नामेंट वगैरह, तो उसे क्या मिलता है? कप जीतता है तो इसे पकौड़े का क्या लेना देना? हाँ, लेकिन कप का पकौड़े से ही लेना देना है। मतलब? मतलब बेसन तो क्या है ना, जैसे कप आएगा तो उसमें चाय पियेंगे। हाँ। और खाली चाय हमारे भारत में कोई नहीं पी सकता। चाय के साथ क्या जरूरत होती है भाई साहब? बताओ। पकौड़े। भाई साहब क्या कह रहे? चल ठीक है, तू रख दे। बैरागी जी इनका नाम क्या रखा गया? उज्जवल मिश्रा हमारे साथ थे, कट गया इनका फोन। चलो चिट्ठी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी किनुआ घाटी के जीजी विशा नगर में। नकली चाइनीज अंडे मुर्गी को सुंघा कर ये कब दिए पूछने वाली सीफर जी मोली कहती है गाइजर एफ से रॉकिंग ऑसम। ऐसी चिट्ठियाँ आपको आती नहीं, आप बनाते हैं। ये तो सत्य है। रेड एफएम बजाते रहो। बहुत बढ़िया। हेलो। हेलो, कौन? नमस्ते जी अंकिल। हाँ जी भाई साहब, दो मिनट चाहिए थे आपसे। हाँ जी बोलो। मसाला खाते हैं? पान मसाला, गुटखा, तंबाकू कुछ खाते हैं? तेरे बाप को छोड़ना खाते हैं? बाप पे जाने की क्या जरूरत है भाई साहब, मैं तो पूछ रहा हूँ। तो मैं भी बता ही रहा हूँ। नहीं क्या पान मसाले गुटखे का फायदा बहुत है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूँ। नहीं सुनना मेरे को भाई साहब, सुन लो, आप खाते हो ना? अरे खाते हैं तो अपने पैसों का खाते हैं ना, तो सुन तो लो, फायदा तो सुन लो। तो थोड़ी मैं आपको बोल रहा हूँ मत खाओ, मैं तो फायदे ही बता रहा हूँ। बोल। आपके दांत कभी पीले नहीं पड़ेंगे, मैं बोल रहा हूँ गुटखा से मसाले। क्योंकि लाल तो वैसे ही हो गई। एक पहला अब मेरे पीले पड़े हैं या काले पड़े हैं? नहीं अगर, हेलो हेलो, अगर वैलेंटाइन डे में आपको लाल गुलाब न मिले तो आप सफेद लेके उसको लाल बना सकते हैं अपने मसाले के दम पर थूक कर। तुझे जो काम है वो कर वरना। दूसरा भाई तो बता दिया मैंने, जब मैं कह एक और सुन लो, रंगोली बना सकते थूक के जिस भी डिजाइन। फोन काट दे। सुनिए मेरी बात, आप गलत मत बोलिए। तू मान नहीं रहा, तेरा फोन में घुस के तेरी तोड़ दूंगा आके। देखो वो टूटती नहीं है, आपको कुछ गलत फहमी है लग। सुनिए फायदे बता रहा है, फायदे बता। आप ट्रैफिक सिग्नल को अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर ग्रीन है तो आप उस पर थूक के लाल कर सकते हो। आखिरी सुनिए, आपके घर वाले अचानक से अमीर हो सकते हैं, पूछिए कैसे? चल बता। हाँ, चल बता। हैं? क्योंकि आप बता खाओगे तो, अगर खाते रहोगे खाते रहोगे, नहीं मानोगे तो हो सकता है आपको कोई जानलेवा बीमारी हो, और अगर जान चली गई तो फिर इंश्योरेंस के पैसे से इतना घर वालों की मदद, मतलब अमीर हो जाएंगे। तो फोन काट और आइंदा के बाद में फोन करने की जरूरत नहीं। आप टीवी पे भी आ सकते हैं जैसे मुकेश आता था। फोन काट, सुबह सुबह दिमाग खराब। गलत बोल रहे आप, मैं मुकेश बोल रहा हूँ, मेरे अंदर टार जमा हो गया था, मैं पान मसाला खाता था, तंबाकू खाता था भाई साहब। छोड़ दो, फायदा नहीं है मसाले से। 93.5 रेड एफएम बुआ बोले अंकिल, नमस्ते, बजाते रहो। हेलो। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ। कौन बउआ? मैं कौन? वो तो आपको बताओगा आप कौन। अरे तो फोन तुमने मिलाया तो तुम बताओ ना तुम कौन। सॉरी, मैं कह रहा था इतनी समस्या है शहर में ही नहीं देश भर में पानी की, है कि नहीं? ये तो है, पानी कम है, पानी कम है, पर मेरे पास एक सलूशन है। तो मैंने पूछा क्या तेरे से? तो एक मिनट दे दो, शायद हमारी बातचीत में सलूशन निकल आया, हो सकता है आप भी काम मिला सको ये सलूशन है। अगर आपको सचमुच पानी लोगों के लिए उपलब्ध कराना है और बचाना है, तो आपको सबसे पहले तो हमारा गर्दी करनी होगी और पढ़ाई छोड़नी होगी। क्या पढ़ाई की छोड़नी पड़ेगी? एक सेकंड देखो, बचपन में ही अगर आप माँ बाप की बात नहीं मानोगे, हमारा गर्दी करोगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, तो माँ बाप क्या करेंगे, आपको प्रेशर डालेंगे, फिर धीरे धीरे आपके नंबर कम आएंगे, आपका रिजल्ट खराब आएगा, आप फेल हो जाओगे। जब फेल हो जाओगे तो किसी नौकरी के लायक भी नहीं रहोगे, है कि नहीं भाई साहब? ये तो है। तो नौकरी के लायक नहीं रहोगे, फिर भी आप बाप के बेटे हो,
बाप को आप पे तरस आएगा, बाप सोचेगा कि बेटे को लाइन पे लाने के लिए चलो कोई धंधा खुलवा देता हूँ। अच्छा, तब आप बाप को बोलना कि भैया अंकिल पापा हमको खोलना है मिठाई की दुकान। मिठाई की खोलेंगे जरूर, मिठाई की खोलेंगे। अभी कनेक्शन बताता हूँ मैं, सुनो बीच में टोको मत, फोन पटक देता हूँ मुँह पे। ढंग में बोल, गधे के बच्चे मुँह पे रहता मारूंगा तेरे। सॉरी। तो जब आप मिठाई की दुकान खोलोगे तब आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है, एक प्लानिंग करनी है, जहाँ पे आप बड़ा बड़ा पोस्टर, पैम्फलेट, अनाउंसमेंट लोगों को बोलोगे, आइए आइए हमारी दुकान खुली है, आइए आइए सुबह सुबह हमारी दुकान पे मिठाई, पकौड़ियाँ, छोले भटूरे, छोले कुलचे, जो जो आइटम होगा फ्री में आपको खिलाया जाएगा। पानी की बात चल रही थी तो मिठाई की बात। एक सेकेंड, तो जब आप लोगों को बोलेंगे कि हम आपको फ्री में खिलाएंगे तो हजारों लोग, फॉर एग्जांपल 10,000 लोग आपकी दुकान के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि फ्री में सबको चाहिए है कि नहीं भाई साहब? हाँ। आप भी हाँ बोल रहे हो, आप भी फ्री खाने के लिए कहीं भी चले जाओ है कि नहीं? आपकी हंसी से पता चल रहा है कि आप भंडारे की पूरी खाने के लिए 15-15 किलोमीटर चले जाते थे। वो तो बचपन में जाते थे और दूसरे का चप्पल भी चुरा के आते थे। नहीं, चप्पल मुंह पर तेरे, वो चोरी की चप्पल मारो। सॉरी। तो सुनिए, जब इतने लोग फ्री में सुबह आएंगे तो आप उनसे कहेंगे कि आइए हम आपको फ्री में खिलाएंगे, ठीक है? जैसे ही वो फ्री की बात सुनेंगे, उन 10,000 लोगों के मुंह में भाई साहब अपने आप पानी आ जाएगा। तो आप समझो, सुबह उठ के आदमी एक एक गिलास पानी पीता है, और यहाँ पे 10,000 लोगों के मुंह में आपने ऑटोमेटिकली पानी ले आए, तो आपने 10,000 गिलास पानी के बचाए। तो पानी बचाए कि नहीं आपने, बताइए? सारे तेरे वहीं आके मारो तेरे नंबर लिख काट के तुझे, दिमाग खराब कर रहा। पानी मुंह में आए कि नहीं, बताइए? गलत बोल रहे है, ची बोल रहा है मेरे को। एक तो मुंह में पानी ले आए फ्री में, 10,000 गिलास पानी बचा लिया, आप बताइए? 93.5 FM बजाते रहो, पानी बचाते रहो। हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते, मैं बउआ बोल रही हूँ। कौन बउआ? महुआ नहीं, बउआ, बस बउआ। आपसे एक हेल्प चाहिए। मैं जंगल में अंदर घुस रहा हूँ और मैं लोमड़ी को ढूंढ रहा हूँ। तो लोमड़ी क्यों ढूंढ रहा है? मेरे को डॉक्टर ने बोला कि मैं बाप बनने वाला हूँ, इसलिए मैं लोमड़ी ढूंढ रहा हूँ। क्योंकि मेरी बीवी को खट्टा खाने का मन कर रहा है। लेकिन क्यों? उसको पता था अंगूर खट्टे हैं। अब मैं लोमड़ी को पूछूंगा आखिर वो पेड़ कहाँ है जिसके अंगूर खट्टे हैं। मेरे को जानता है, नहीं वो अंगूर वाइफ को खिलाऊंगा। अरे वाइफ को? तू बोला पागल यार। बउआ बोलो, सुनिए, मैं जंगल के अंदर आ चुका हूँ, जंगल में। जंगल? आपने नहीं बताया ना लोमड़ी कहाँ मिलेगी, जानवरों से खुद पूछूंगा मैं। ओ पागल बना रहा। पागल? एक सेकंड, जंगल का बाघ मिल गया। बाघ? बाघ मिल गया तेरे को? बाघ मिला है। बाघ? बाघ क्या कह रहे? बाघ, मैंने तेरी पिक्चर देखी थी, मस्त एक्टिंग किया। कौन सी पिक्चर? कौन सी पिक्चर? अजय बाघ मिलकर बाघ। हेलो, ए बाघ, लोमड़ी देखा है तूने? नहीं देखा। देख, एक सेकंड, कौआ, ए कौआ, बाघ आया फिर वो? कौआ? कौआ कुछ पूछ रहे ना? कहाँ है लोमड़ी? कहाँ है? अच्छा तू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। एक सेकंड, लोमड़ी, मेरी आंखों को विश्वास नहीं होता है, लोमड़ी मिल गया। हाय, आई एम लोमड़ी। लोमड़ी? लोमड़ी हो गया? तुमने जंगल ऐसा चुन लिया तो मैंने आवाज भी ऐसी चुन ली। वाह, जोरदार तालियां। अंगूर खट्टा? अंगूर कहाँ है? गाली ना दे मैं लोमड़ी, गंदा बोल या कुछ बोलो ना दे गाली मैं लोमड़ी। हेलो, पहले उसको गान दो ना। अरे अपनी गाली ना दे मैं लोमड़ी, मैं लोमड़ी। वाह, लोमड़ी।